समाज से भेदभाव छुआछूत जैसी कुरीतियों को निर्मूल कर देने का संदेश देने वाले महान संत की आज जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री रविदास धाम विश्राम धाम मंदिर करोलबाग। इससे पहले रविदास जयंती के अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वाराणसी हो या फिर अन्य मंदिर हो वहां पहुंचे हैं, उन्होंने मत्था टेका है। ऐसे संत और समाज सुधारक जिन्होंने समाज से सभी कुरीतियों को समाप्त कर कर्म के आधार पर लोगों के वर्ण की व्यवस्था की बात कही, जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अंग। बिल्कुल, और उन्हीं की जो रचनाएं हैं, उन्हीं की जो कही हुई बातें हैं, अगर मैं कहूं अश्वनी तो कहा गया है, वो कहते थे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पार। दिखाता है कि प्रधान सेवक के रूप में जब वो जन कल्याण के लिए कार्यक्रम करते हैं, जन कल्याण के लिए सर्व मंगल की कामना करते हैं, देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इन्हीं तस्वीरों के जरिए कितना है हमेशा प्रधान सेवक के रूप में काम करना, और यही बात वो हमेशा से कहते आए। और ये जो विजिटर्स बुक है उसमें अपना संदेश भी लिखेंगे अभी प्रधानमंत्री, और कहीं ना कहीं ये जो संदेश है वो अंकित करेगा कि कैसे लगातार जो वो समावेशी समाज को लेकर जिक्र करते हैं, हाशिए पे पड़े हुए हर उस इंसान को समाज के मेन तबके में जोड़ने की बात करते हैं, ये जो जुड़ाव है, ये जो विश्वास है, ये जो प्रयास है, वो इशारा करता है उस ऐसे समाज भारत का जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं। और ये जो नया भारत है ये जातिगत आधार पर नहीं बल्कि काम के, विश्वास के, समाज की तमाम उन कुरीतियों से हटकर ऊपर उठ के काम करने वाला समाज है। तो विजिटर्स बुक में अपना संदेश जो है वो लिखते हुए प्रधानमंत्री, और आप देख रहे हैं आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर।